सो हे गाइस, अगर आप भी यूज करते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक तो आपके लिए एक बुरी खबर है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया गया है। क्यों किया गया और कैसे किया गया है, क्या परेशानी आपको हो सकती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है जिसके वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो चुका है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो है यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हो दोस्तों तो आप लोग के लिए बुरी खबर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हो दोस्तों तो आप लोग का अगर अकाउंट पहले से खुल चुका है तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले फ्यूचर्स में यहाँ पर जो है यहाँ पर परेशानी ना हो कुछ भी। तो यहाँ पे जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो जिस लोगों का ओपन है दोस्तों, उन लोगों का यहाँ पर पेमेंट्स बैंक बैन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बैन उन लोगों पे लगा है जो लोग नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। यहाँ पे आरबीआई की जो है गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। यहाँ पर जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जो है यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर बनाने पे बैन लगा दिया है आरबीआई ने। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आरबीआई का ये कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नई जो है अपने ग्राहक को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। यहाँ पर जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए ग्राहक का अकाउंट नहीं खोल सकता। ऐसा क्यों है और क्या है कंप्लीट प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पर आरबीआई का ये कहना है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पर आईटी ऑडिट फॉर्म जो होता है दोस्तों, उनको यहाँ पर जो है सही नहीं है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आईटी ऑडिट फॉर्म जो है यहाँ पर जो है इस पे कुछ सवालों जवाब किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है, मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आईटी ऑडिट फॉर्म क्या है ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करते। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर आप लोग यूज करते हो दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर जो जिन लोगों का पहले से अकाउंट ओपन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये जो है मैं 2022 में वीडियो बना रहा हूँ, मार्च के महीने में मिल जाएगी आपको। तो अगर आप लोग को ये जो है फ्यूचर में कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों आप लोग से कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर यूज करते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ पे आरबीआई ने नई कस्टमर बनाने से रोक लगाया है। तो अगर आप लोगों अकाउंट खुलवाना चाहते हो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो नई अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। यहाँ पे अगर पुरानी अकाउंट है आप लोगों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आरबीआई का ये साफ कहना है कि जो पुराने ओल्ड कस्टमर है उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। भी नए यहाँ पे कस्टमर जा रहे हैं उसमें पेमेंट अकाउंट खुलवाने यानी पेटीएम पेमेंट बैंक खुलवाने, तो उन लोगों का यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपनिंग पे बैन किया गया है, बैंक को बैन नहीं किया गया है। यहाँ पे आईटी ऑडिट फाइल जो है इनको यहाँ पर क्या है, ये आईटी ऑडिट फॉर्म जो भी होता है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, आरबीआई की वेबसाइट पे भी आप लोग जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, इतना मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आईटी ऑडिट फाइल जो भी रहती है, आईटी ऑडिट फाइल क्या है दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा यहाँ पर जो है काफी सारे वीडियो भी बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो चुका है, इसमें पैसा नहीं रखिए। तो आप लोग का यहाँ पर जो आरबीआई का साफ साफ कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि आप लोग इसमें पेमेंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर पुराने कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा जो भी नए कस्टमर जितने भी है दोस्तों उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, अकाउंट उनका नहीं ओपन किया जाएगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। ये एक लगा के सही भी है, ये सही ऐसे है दोस्तों कि यहाँ पर जो है जैसे कि आप लोग मान लीजिए एक सर्कल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसमें काफी सारे उसके जो है अकाउंट ओपन हो जाएंगे और उसमें सर्वर का इशू रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ढेर सारा जो है यहाँ पर जो है मतलब एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, और यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर ज्यादा ओपन किया जाता है तो यहाँ पर जो है मतलब नहीं हो पाता है, उसके सर्वर पे इशू आने लगता है, पेमेंट फेल होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए आईटी ऑडिट फाइल जो होती है दोस्तों, आईटी ऑडिट फॉर्म जो भी होती है उस पर आरबीआई ने यहाँ पे आवाज उठाया है, उनको जो है नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगाया गया है। तो पुराने कस्टमर को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। मिलते किसी और वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही जानकारी थी। कोई भी और पेमेंट बैंक मतलब कि जहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी जो भी जानकारी रहेगी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।